हाई एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ पूनम राजपूत आई होप यू आल आर डूइंग गुड आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें होने वाला है एक मीशो हॉल जो होने वाला है साड़ी मीशो हॉल बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ी मंगाई है इसमें मैंने बनारसी सिल्क और जॉर्ज इस तरह की साड़ी होने वाली है बहुत ही अच्छी अच्छी हैं लिकरा में भी है मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साड़ी होने वाली है सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो भी आपको पसंद हो आप वहाँ से जाके ले सकते हो और वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो तो फर्स्ट पीस जो मैं दिखाऊंगी वो मैंने एयर मंगाए हैं बहुत ही प्यारे से हैं बहुत ही अच्छे हैं पार्टी वगैरह में बहुत प्यारे लगेंगे एंड सबसे अच्छी चीज़ इनकी कि ये हर साड़ी के साथ आपको चल जाएंगे मतलब हर साड़ी ड्रेसेस किसी के साथ भी चल जाएंगे काफ़ी हैवी और पार्टी वियर ईयरिंग है बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ मिले हैं मुझे ये इसके बाद जो है बहुत ही अच्छी जो है कार्डबोर्ड की पैकेजिंग थी उसके ऊपर से बबल रैप बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ एंड इस तरह के बॉक्स में मिले हैं ये है ईयर जो हैं बहुत ही प्यारे इस तरह के मैं आपको दिखाती हूँ काफ़ी हैवी इयर हैं बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं इस तरह के कुछ अलग पैटर्न में मेरे पास एक एयरिंग और हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं ये भी बहुत प्यारे लगने वाले हैं तो इन ईयर की सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है वो है कि ये आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हो क्योंकि इसके कोई कलर नहीं होते तो किसी भी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं बहुत प्यारे इयर रिंग अगर आपको पसंद आए आप ज़रूर लीजिएगा नेक्स्ट जो है हमारी ये है साड़ी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही प्यारी साड़ी है और जो है कुछ इस तरह के पैटर्न मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारी लगी इस तरह की साड़ी है जो मेरे साथ एक मैंने ये रेड कलर में मंगाई थी बट ये मुझे महरून रिसीव हुई है एंड इसमें आपको रेड लग रहा है लेकिन ये महरून है और बहुत ज़्यादा डार्क महरून नहीं है लेकिन महरून टोन में है पिक में भी ये मुझे रेड लगी थी और अभी कैमरे में भी आप लोगों को रेड लग रही है लेकिन ये महरून में है तो मैंने रेड सोच के मंगाई थी बट काफ़ी प्यारी लग रही है इस तरह के पैटर्न में है ये बहुत ही प्यारी सी साड़ी है फिसलने वाली नहीं है इस तरह का बॉर्डर है और नीचे ऊपर दोनों साइड सेम बॉर्डर है नीचे की साइड आप देखो यही सेम बॉर्डर है और ऊपर की साइड देखो यही सेम बॉर्डर है सेम बॉर्डर दोनों साइड है बीच में इस तरह का पैटर्न है ये पूरी ही साड़ी पे इस तरह का पैटर्न है ये तो साड़ी बहुत प्यारी है बहुत प्यारी लगने वाली है पहनने के बाद अगर आप न्यूली मैरिड भी हो तो इस तरह की साड़ी बहुत प्यारी लगती है पूरी साड़ी का पैटर्न इसी तरह का है सेम इस तरह का और ये वाली साड़ी जो है पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल होती हैं बिल्कुल भी आपको पहनने के बाद प्रॉब्लम नहीं होती है इसके पल्लू की मैं बात करूँ तो पल्लू कुछ इस तरह का पैटर्न है ये पल्लू इसका इस तरह का है ये पहले इस तरह का फिर ये और फिर ये इस तरह का पैटर्न में है पल्लू इसका ये तो बहुत ही प्यारी साड़ी है और इसके ब्लाउज़ की मैं बात करूँ तो ब्लाउज आई थिंक इसमें सेम ही दिया हुआ है क्योंकि अलग से कुछ नहीं है तो मुझे लगता है इस साइड में इसका ब्लाउज़ होगा इस साइड में इसका ब्लाउज़ है तो ब्लाउज़ सेम पैटर्न में दिया हुआ है क्योंकि अलग से कहीं पे नहीं है तो इस तरह का ही इसका ब्लाउज आएगा इसी में से कट हो जाएगा आई थिंक क्योंकि ये पोर्शन में एक लाइन भी दी हुई है तो आई थिंक ये इसका ब्लाउज है और बैक से अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक से बाइक से कुछ इस तरह की है तो इसमें धागे तो खिंचने वाली चीज़ है लेकिन इस तरह की साड़ियों में होती ही है आप देखो इस तरह से धागे लगे हुए होते हैं जो हल्के हल्के खींच सकते हैं अगर आप ज़्यादा पहनते हो बट ये साड़ी बहुत प्यारी लगती है लुक वाइज बहुत ही प्यारी है बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी तो बहुत ही प्यारी साड़ी है अब सेकेंड पीस की मैं बात करूँ तो सेकेंड पीस है हमारा लिकरा क्लॉथ में इस तरह की साड़ी है जो है जिसका पल्लू बंधा हुआ है और नीचे से बिल्कुल प्लेन है दो शेड में साड़ी है कुछ इस तरह की ये जो है बहुत सॉफ्ट क्लॉथ होता है ये तो फ्रंट की मैं बात करूँ जो नीचे का पोर्शन है वो कुछ इस तरह का पोर्शन आएगा ये ऊपर से ब्लैक है और नीचे से जो है इस तरह की फ्रिल लगी हुई है इस पर इस कलर की ये तो इस तरह की आएगी नीचे से और पूरा जो पैटर्न है वो यही है नीचे का इस तरह का फ्रिल है और जो टर्न करके पैटर्न आएगा वो आएगा ये इसमें इस तरह का वो है और ब्लैक कलर की बॉर्डर है ये तो फ्रिल सॉरी बॉर्डर याद आ रहा है फ्रिल इस तरह की है बाकी जो पल्लू है वो बंधा हुआ है इस तरह का यहाँ पे ये इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा फ्लार लगा हुआ है और इस तरह से ये यहाँ पे बंधी हुई है तो बहुत ही प्यारी साड़ी है पल्लू इसका बन रेडी टू वियर है नीचे से बहुत प्यारी लग रही है लुक वाइज बहुत प्यारी है इस तरह का पीछे से अगर मैं बात करूँ पल्लू का पैटर्न कुछ इस तरह का है और ये इस तरह का तो बहुत ही प्यारी साड़ी है पीछे भी इस तरह से फ्रेन लगी हुई है क्लॉथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है प्राइस बहुत सही है बहुत अच्छे प्राइस में ये आपको मिल रही है तो आप सिंपल में भी पहन सकते हो और इसके ब्लाउज़ की मैं बात करूँ तो ब्लाउज फुल सीक्वेंस वर्क में है इस तरह का सीक्वेंस जो है चौड़े चौड़े वो वाला वेलवेट इसका क्लॉथ है और ऊपर से जो बड़े बड़े वाले सीक्वेंस होता है ना उस तरह के सीक्वेंस लगे हुए हैं कैमरे में शाइन करे बहुत ज़्यादा क्योंकि लाइटिंग है तो ऊपर से सीक्वेंस लगे हुए हैं तो आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा वो सीक्वेंस साइन कर रहे हैं इस तरह का ब्लाउज़ है जो 80 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और पूरे अच्छे से आपका ब्लाउज बन जाएगा बहुत ही प्यारी साड़ी है अगर आपको पसंद आती है आप ज़रूर लीजिएगा कलर आई थिंक इसमें यही अवेलेबल है दूसरा नहीं है थर्ड साड़ी जो है हमारी ये है कॉटन सिल्क में बहुत ही प्यारी बहुत ही प्यारे कलर के साथ एंड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई इस तरह की साड़ी अगर आप टीचिंग में जाते हो या फिर पहनते हो ना बहुत ही प्यारा सा लुक आता है ऑफिस वगैरह में भी बहुत अच्छे से पहन सकते हो एंड वैसे भी पहन सकते हो एंड इसे इस साड़ी को कोई भी एज ग्रुप का भी पहन सकता है तो ये बहुत प्यारी लगती है इस तरह की साड़ी है कलर ऑप्शन इसमें आपको बहुत सारे अवेलेबल हैं क्लॉथ बहुत अच्छा है इस साड़ी का एंड पैटर्न की मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह का पैटर्न ऊपर कुछ इस तरह का बॉर्डर है ये नेड़ा वाला और नीचे की मैं बात करूँ तो नीचे है इस तरह का चौड़ा वाला बॉर्डर ये इस तरह का बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है लेकिन तो उससे ऊपर वाले से डबल में है इस तरह का बॉर्डर बीच में इस तरह की बूटियाँ हैं जिसमें ऑरेंज ग्रीन एंड रेड कलर आ रखा है हल्का सा बहुत ही प्यारी लग रही है साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है पूरी ही साड़ी इसी तरह की है ये सॉरी ये इस तरह की पूरी साड़ी है ये क्लॉथ बहुत अच्छा है बहुत कंफर्टेबल साड़ी है और इसकी पल्लू की मैं बात करूँ तो पल्लू है कुछ इस पैटर्न में ये पल्लू कुछ इस तरह का है बहुत ही प्यारी साड़ी है आप देखो इस तरह का पल्लू है और पल्लू के साइड में इस तरह से ये सॉरी टसल्स लगी हुई हैं ये इस तरह का इस तरह की टसल्स हैं तो बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है बहुत ही क्लॉथ आप देखो कितना कंफर्टेबल है आप प्लेट्स बना दोगे ना तो बहुत अच्छे से बनी रहेंगी बहुत ही प्यारे कलर इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मुझे ये कलर पसंद आया था आपको जो भी कलर हो पसंद हो आप वो ले सकते हो ब्लाउज इसका कुछ इस पैटर्न में है छोटी छोटी इस तरह की बूटियों में इस पैटर्न में है ब्लाउज बहुत ही प्यारा लग रहा है ब्लाउज भी बनने के बाद बहुत प्यारा लगेगा साड़ी के साथ और पीछे से अगर मैं बात करूं तो इस तरह का है ये काफी अच्छी फिनिशिंग है काफी धागे अच्छे से कटे हुए हैं इस तरह की फिनिशिंग में है तो साड़ी बहुत अच्छी है अगर आपको पसंद आती है आप ज़रूर लीजिएगा ये साड़ी बहुत प्यारी लग रही है बहुत ज़्यादा प्यारी पहनने के बाद इसमें बहुत अच्छा लुक आएगा लास्ट साड़ी जो है हमारी पिक में बहुत प्यारी थी आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह की लग रही थी एंड अभी देखेंगे कि हमें रिसीव किस तरह की हुई है ये है साटन क्लॉथ में बहुत ही प्यारी साड़ी थी बहुत ज़्यादा कलरफुल इस तरह की साड़ी पहनने के बाद बहुत प्यारी लगती हैं और ये साड़ी है इस तरह की काफ़ी प्यारी रिसीव हुई है लेकिन जिस तरह के कलर डार्क उसमें थे ना उतने डार्क कलर तो इसमें रिसीव नहीं हुए हैं लेकिन साड़ी अच्छी है काफ़ी अच्छी है लेकिन उतने डार्क कलर नहीं हैं जितने उसमें दिखाई दे रहे थे मैं आपको इधर से दिखाती हूँ साड़ी में जो है ऊपर कुछ इस तरह का डिज़ाइनिंग है साटन में ये साड़ी है एंड नीचे कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग है नीचे इस तरह से डिज़ाइन आएगी तो काफी प्यारी लग रही है लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन है पूरी साड़ी इस ही तरह की है ऐसे ये और जो यहाँ पे पोर्शन आ गया है इस पे ये थोड़ा सा ऊपर उठ गई यहाँ पे चेंज हो गई है इस तरह की डिजाइनिंग हो गई है यहाँ पे तो ये ऐसे लहर में इस तरह से हो गई है तो इस तरह का पैटर्न आ गया है जब हम से टर्न होगी ना वहाँ पे लाइट कलर कम हो गया है और डार्क कलर के शेड पूरी साड़ी में हो गए हैं तो इस तरह का पैटर्न है पल्लू भी इसी तरह का है बहुत प्यारी लग रही है साड़ी कुछ डिफरेंट सा स्टाइल यूनिक सी मतलब सिंपल सोवर में भी स्टाइलिश लुक देने वाली साड़ी है ये बहुत ही प्यारी लगेगी इस तरह की आप देखो बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आएगा पहनने के बाद आप ऑन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की लग रही है बहुत ही प्यारी है क्लॉथ काफ़ी अच्छा है और कलर कलर्स बहुत अच्छे हैं इस तरह के कलर हैं जिस तरह की पिक में थी उसी तरह की है लेकिन बस थोड़े से कलर लाइट हैं उससे क्लॉथ काफ़ी अच्छा है पहनने के बाद बहुत ही प्यारा सा बहुत डिफरेंट सा लुक आने वाला है इसका अब बढ़ते हैं इसके ब्लाउज़ की साइड तो ब्लाउज की मैं बात करूँ तो ब्लाउज है ये इस तरह का लाइट कलर का जो लाइट कलर यहाँ आ रहा है ना सेम लाइट कलर का प्लेन इस तरह का ब्लाउज है जो है साटन में ही है तो ये साड़ी भी बहुत प्यारी है पहनने के बाद ट्राई ऑन में आप देख सकते हो इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा बहुत ही प्यारी लगेगी तो ये साड़ी भी अगर आपको पसंद आती है आप ज़रूर लीजिएगा बहुत ही अच्छी साड़ी है लुक वाइज बहुत डिफरेंस आपको लुक देने वाली है तो ये था हमारा हॉल आई होप कि आज का हॉल आप लोगों को पसंद आया होगा इसमें से जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए आप ले सकते हो कोड सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सारी ही साड़ी बहुत प्यारी है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी तो सभी के कोड जो है जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ भी पसंद आया है आप कुछ भी मंगाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया है कौन सा नहीं आया है किस तरह की साड़ी आप लेना चाहते हो या अपनी सजेशन्स भी आप कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हो और इस तरह के बहुत सारे हॉल्स अगर आप मेरे साथ देखना चाहते हो बहुत सारी वीडियोज़ अगर आप मेरे साथ देखना चाहते हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब वीडियो को कीजिएगा लाइक और मिलूंगी आपसे एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए सी यू टेक केयर बाय बाय